सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। बाकी आज का स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल का आज डे वन था, जो कि अभी ख़त्म हो गया है। एंड टीम सोल की रैंकिंग अभी टॉप पे चल रही है और आज टीम सोल ने काफ़ी अच्छा खेला था। एक टू मैच चिकन डिनर निकाला है 13 फिनिशेस के साथ, और वो चिकन डिनर देखना बहुत ही मज़ा आएगा रैंगल के मैप में। एंड साथ में आपको कुछ अच्छे फाइट आपको देखने को मिलेंगे। एंड वीडियो थोड़ा सा लंबा है, सो लास्ट तक देख लेना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। एंड अब चलते हैं हम सीधा मैच की तरफ। एंड मैच पे जाने से पहले चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना, जो हमारा गोल है वो है 59K सब्सक्राइबर का। सो जो भी नया सब्सक्राइब कर देना। एंड अब चलते हैं हम सीधा मैच की तरफ। घुमाई जा रही है दोनों ही टीम के द्वारा, पीछे से प्लेयर्स हैं वो भी वहां पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश करते हुए। मुश्किल है इस तरह के केओस में किसी भी स्प्रे को अंजाम तक पहुंचाना, बिकॉज गाड़ियां बहुत तेजी से मूव कर रही हैं। मान्या को यहां पे नॉक करा गया है, एरोबॉट्स, ये अलग ही बैटल चल रही है, कोई फाइट कर ही नहीं था एंकी, तो गाड़ियां ही चलती जा रही है। और फाइनली वो प्लेयर आके रुके, उन्होंने रोनी को खत्म कर दिया। मान्या यहाँ पे डाउन है, दो प्लेयर्स यहाँ पे बचते हुए, आई को सोल पूरी तरह से बैकफुट पे, और शायद ये कंसिस्टेंसी के ऊपर एक बड़ा फुल स्टॉप लग सकता है, बिकॉज हफू वो दो फ्लैग इस सिनेरियो में निकाल चुके हैं। एंड आई को सोल के जो प्लेयर्स बचे हुए थे वो चले गए अब जोन के अंदर। ये दो प्लेयर्स बचे थे और दोनों अलग अलग डायरेक्शन से सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये कि कितनी कामयाबी उनको मिल पाती है। फिलहाल ये तीसरा फिनिश जो अफू के खाते में जाता हुआ नजर आएगा, और अब यहाँ से सर्कल के अंदर का जो सफर है वो उनको भी तय करना है। टीम एक्सपा को रोटेशन बहुत ही ज्यादा बेहतर थी, वो सर्कल के अंदर में देखने को मिल जाएंगे, बट एक्सपा वो एक इंपॉर्टेंट फिनिश वहां पर निकाला उन्होंने, देखने को मिलेगा। दो प्लेयर्स WSBK और वो पुश करना चाहते हैं, दो प्लेयर्स आई को सोल के भी डिफेंड करते हुए और काफी बढ़िया तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। इस पावर की अगर हम बात करें, एक नॉक उन्होंने निकाला जरूर है और वो आगे बढ़ रहे हैं। DPS उनके हाथ में मौजूद, और चलिए कुछ खास मौका दिया भी नहीं जाएगा, और देखते ही देखते WSB उनका भी सफाया देखने को मिल जाएगा। इस पावर बढ़ने वाली है, स्पाई मात्र एक खिलाड़ी जो आप सर्वाइव करेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। और क्या वो आईको सोल थी जिन्होंने उनको फिनिश ऑफ किया, क्या वो फाइनली अपना बर्ताव पूरा करते हुए नजर आए? जी हाँ, आईको सोल के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने एक फिनिश वहां से निकाला जरूर है। सर्कल के अंदर मौजूद रहने वाले, वही दूसरी तरफ एक और टीम जो सर्कल के अंदर मौजूद है वो रहने वाली है टीम ओरैंगुटेन। क्या ये वो मुकाबला रहेगा? वो तो यहाँ पे कोई भी गलती करने वाले है नहीं, एक के बाद एक वो जो फिनिशर्स है वो उनके खाते में जा रहे हैं। एक बात तो तय है कि चिकन डिनर वो टीम ओरैंगुटेन के पास जाने वाला है, बस सवाल ये है कि फिनिशेस वो और कितना ज्यादा निकालते हैं। चलिए, आपने नेट का नाम लिया, एक और नेट का नॉक आया, फियर्स वहां पे होंगे डाउन। अब देखिए तो उसे कितनी शातिराना तरीके से बाउंस कराया जा रहा है, स्मोक्स को, नेट्स को डाला जा रहा है, वो पुश करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स उनके पास नंबर्स गेम एडवांटेज है। चलिए फियर्स उनका भी समापन सोल के जोकर यहाँ पे दे, जो वो फ्रैग एक लेके जाएंगे। एंड इसी के साथ रेवेनेंट के प्लेयर्स को एक एक करके खत्म भी किया गया, दोनों टीम्स ने एक एक फ्रैग वहां पे निकाला। जोकर 5 फ्रैग्स अब इनके हो चुके, टोटल 9 फ्रैग्स इस टीम के पास है। मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा नकुल को अभी तो मिस नहीं कर रहे आईको सोल के प्लेयर्स, बिकॉज जोकर इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट कहीं ना कहीं एक चिकन अभी भी इनसे दूर, एक 2v4 सिचुएशन में जोन पर है आईको सोल के पास। जी, और अपने आप को प्रूव किया है जोकर ने पूरी तरीके से। हम बात करते रहते कि अगर फिफ्थ प्लेयर वो बहुत टाइम तक खेले, और क्या यहाँ पे कुछ पलटवार कर सकती है टीम आईको सोल, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 4v2 से 2v3 की सिचुएशन तक का सफर तो उन्होंने तय कर लिया है टीम ओरैंगुटेन। वैसी कोई भी गलती यहाँ पे करना चाहेंगे नहीं, और जिस प्रकार से ये जोड़ी चल रही है इस पावर और जोकर की, मुझे लगता है कि मुश्किलें जरूर से पैदा हो सकती है टीम ओरैंगुटेन के लिए। बिगर वो ब्रोकर बॉल के पीछे जाते हैं, लेकिन एक और ग्रेनेड आएगा, एक के ओपी उनको भी टेक डाउन किया गया। ये सुपर पावर है टीम आईको सोल की, जो यहाँ पर एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए, बट अभी भी टीम ओरैंगुटेन एक मौका उनके पास जरूर रहेगा, वो रिवाइवल उनको निकाल रहे हैं। कन्फाइंड स्पेस में है टीम आईको सोल, उसके बावजूद टीम ओरैंगुटेन थोड़ा बैकफुट पे, बट ओजी को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। आप देखिए अभी भी 12 मीटर का सफर तय करना है, 3v2 का सिनेरियो यहाँ पे बन चुका है, रास्ते में स्मोक्स बिखर चुके हैं, बट क्या यहाँ पे एक और नॉक आ सकता है? आश वहाँ पे गए थे ओपन में, उनको काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे मिल चुका है, बट चलिए अब बारी है आगमन का, अब बारी है पुश करने की, बिकॉज ओरैंगुटेन उनको जोन के अंदर जगह चाहिए, और अब स्मोक करके वो जगह उनको मिल भी जाएगी, बट एस पावर इज स्टिल गॉट इट। 3 और नेड्स उनके पास, और ये नेड्स शिकार बना सकते हैं, डैमेज दिया काफी ज्यादा डैमेज एक ओपी के वो देते हुए, और नेड है उनके पास, बट विस्कॉर्ड उनको भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा, मोलोटोव आई जरूर है, बट जोकर बचेंगे उस मोलोटोव से, एक ओपी भी यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। एशेज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जोकर को देखा समझा परखा, डैमेज भी वहां पे दिया, बट वो काफी नहीं था, और पुश करते हुए एक 2v1 सिनेरियो के अंदर, एंड हियर यू गो स्टोरी उनके साथ होता हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक और फाइट टीम आईको सोल की जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। मान्या के ऊपर थोड़ा डैमेज आया जरूर है, लेकिन नॉक्स भी निकाले गए, और ऐसे में टीम आईको सोल अभी जहाँ पर मौजूद है, तीन तरफ से टीम्स हैं,
थोड़ा तो देखभाल के खेलना पड़ेगा। कुसोल WSB के गॉड्स को खत्म कर देंगे। WSB का इतना बड़ा स्प्लिट मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आया। पेंच पे वो स्कारल से वो नॉकआउट निकाला, अभी आ गए हैं शैडो, एक और बस नॉकआउट निकालना है उन्हें, लेकिन क्या निकाल पाएंगे? शैडो होने नहीं देंगे, ये अकेले यहाँ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है शैडो को, ये हिल टॉप होल्ड करना पड़ेगा। विंड गॉड पीछे ब्लीड आउट हो रहे धीरे धीरे करके, सवितार अकेले बचे हुए है, नेट कुक किया जा रहा है, जगह पे बस जाने की देर है इस नेट की, देखिए सविता कुछ अभी करना ही पड़ेगा। डीपीएस के फटके ऑलरेडी पड़ चुके हैं उनके ऊपर, हाथ में गलती से मिनी 14 आ गई वो नेट टॉस करने के बाद, और अनफॉर्चुनेटली विन गॉड ईस्पोर्ट्स का एलिमिनेशन हमें देखने का मौका मिलेगा, नहीं तो सवितार का मैं इतना ओजी वर्सेस आइकुसोल बहुत देर से फाइट स्टार्ट होने वाली थी, बहुत देर से लोग एक दूसरे के पड़ोसी थे जरूर, लेकिन वो ग्रेनेड थोड़ा बहुत डैमेज देगा जरूर, आज थोड़ा मिसकैलकुलेट उन्होंने किया है और वहां पे उनको टेक डाउन किया जाएगा, और मान लिया उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक, एक ही की बात करें उनको टेक डाउन किया जाएगा, और टीम ओरायन उन्होंने जो जाल बिछाया था वो उसमें खुद फंसते हुए नजर आएंगे। आइकुसोल आउट ऑफ नोवेयर, ये फाइट उनकी जीतने लायक थी भी नहीं, वहां से फाइट जीतते हुए नजर आएंगे, बचते हैं मात्र ट्रिगर और यहाँ से निकलने के अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास बचता नहीं, और शायद निकल भी ना पाए। जी हाँ, देखिए ड्रेगर की एचपी कितनी ज्यादा लो है, इनफैक्ट उनकी गाड़ी की एचपी भी बहुत ज्यादा लो रहेगी। मान्या को सबसे पहले रिवाइव शाना, ईस्पोर्ट्स यहाँ पर दो खिलाड़ियों को एक स्प्रे में डाउन करके, गमला बॉय ने जरूर एक का फिनिश पॉइंट उठाया पर अभी तक कंफर्मेशन, ओके दूसरा का भी मिल जाएगा, सोमराज उठाते हुए नजर आएंगे वो। जी हाँ, वहाँ पे ड्रिगर पलटवार कर रहे हैं टीम आइकुसोल पे, एक नॉक उन्होंने निकाला जरूर है, हाइड्रा के स्पर्श आएंगे फिनिश ऑफ कर देंगे, और वो जो रॉनी का नॉक था वो फिनिश उसके पास ही जाता हुआ नजर आएगा। अब देखना ये कि टीम आइकुसोल वो किस प्रकार से सर्कल के अंदर जाती हुई नजर आएगी। इस पावर कम नॉट रॉन्ग वो शायद आखिरी खिलाड़ी और इस पावर को मिले है, 8 और 5 13 नेड ऑलरेडी उपयोग करते हुए नजर आए थे, इस पावर 5 और 18 नेड डाले जाते हैं। सोमराज ओपन में आए इस पावर इंतजार कर रहे थे इसी चीज का, और सोमराज को फाइनली नॉक किया गया, खत्म भी होते हुए नजर आएंगे कुछ ही देर। जी हाँ, बट इन सबके बीच में टीम ब्लाइंड अभी भी वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल पोजीशनिंग में देखने को मिल रहा है, और ऐसे में टीम तमिलास इकलौती ऐसी टीम है जो उनकी मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ा सकती है, लेकिन उससे पहले ही आदि का वहां पे बाहर आएगा, दो खिलाड़ियों को टेक डाउन कर दिया, और देखते ही देखते टीम तमिलास उनका भी सफाया, ये तीन फिनिशर्स जाएंगे टीम ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स के नाम, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी अपना नाम इसी फिनिश के साथ वो लिखते हुए नजर आने वाले हैं। देखना ये कि क्या कोई और ट्विस्ट यहाँ पे बाकी है, क्योंकि जो चौथा फिनिश है वो भी उनके पास आ चुका है, सर्कल के अंदर वो काफी आसानी से एंटर भी करने वाले, और इनक्रेडिबल मैच यहाँ पर चल रहा है, हर तरफ केओस ही केओस बिखरा हुआ है, और इधर आइकुसोल उनका भी बैटल जारी है, मानिया डाउन है, रिवाइवल करना पड़ेगा पहले। देखिए ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप आक्रमण कर रहे थे, एक प्लेयर डाउन हो, वापस पीछे आए, कमरे में गए, आपको पता है कि आपके अपोनेंट नीचे, पावर गलती, बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर, एक प्लेयर डाउन, मोर्टोव से रोकने की कोशिश अपने अपोनेंट्स को, बट क्या यहाँ पे रिवाइवल पॉसिबल हो पाएगा? इस पावर को चाहिए रिवाइव, उधर फ्रैगर चाहते हैं फ्रैग्स, मुश्किलों में दोनों टीम फंसती हुई, दोनों डाल दिए गए ऑलरेडी, तीसरा नेट भी जाएगा और ये इस पावर के काफी नजदीक गिरेगा, ताकि मान्या को भी कर दिया गया, इसी बीच में नॉकआउट रॉनी के ऊपर जिम्मेदारी पूरी की पूरी आती हुई, जोकर फिलहाल के लिए देखिए वो वापस हील अप कर चुके हैं जरूर, लेकिन जोकर डिफेंड भी करेंगे, रणदीप को किया गया नॉकआउट, लियो वाइटी के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी, मान्या को किया जाता है खत्म, लेकिन लियो वाइटी को सोल के जोकर आए, मूविंग व्हीकल पे स्प्रे, करेक्शन वो उतना बेहतर आया नहीं, और पैराडॉक्स कोशिश रहेगी कि एक फिनिश चलिए उससे पहले उनको शटडाउन किया जाएगा, इसी के साथ एक और स्क्वाड का एलिमिनेशन, बेट एंड स्विच यहां पर आफू के द्वारा बेट किया गया, और पीछे से आके क्योंकि वो काफी देर से उस पर्टिकुलर हाइट के एडवांटेज पे मौजूद है, और वहां से उन्होंने स्काउटिंग की जरूर होगी, बस देखना यह है कि क्या वहां पर और जोकर एक ही स्प्रे में पूरी स्क्वाड गायब कर दी, जोकर ने 5 फिनिशेस उनके पास जाते हुए नजर जरूर आएंगे, और इसीलिए कहते हैं एक व्हीकल में कभी भी ना ट्रैवल करे, वो भी तब जब सामने इतने खतरनाक खिलाड़ी हो तो। आइकुसोल जोकर का एक बेहतरीन 1v4 स्प्रे, एक स्प्रे, एक मैग पूरा उन्होंने खर्चा किया, और मैं भी बढ़िया एज गेम उनका देखने को मिल रहा है, इसी बीच टीम आइकुसोल के रॉनी वो टीम तमिलास की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, अब देखिए रॉनी यहाँ पर अकेले हैं, जी टीम का आप कॉन्फिडेंस देखिए, हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की, लेकिन ये तो डोमिनेट करने के लिए आए हैं, 6 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इतने बड़े स्प्लिट के साथ
वो पांचवे स्टेज में खेल रहे हैं, वो अपने आप में दर्शाते हैं भरोसा है प्लेयर्स को अपने आप के ऊपर। और रॉनी का एक और स्प्रे, एक और खिलाड़ी को वो टेक डाउन करेंगे। टीम हाइकू सोल अभी के लिए अविश्वसनीय प्रदर्शन। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हाइकू सोल एक फ्रंट पे नहीं, तीन फ्रंट पे अलग अलग फाइट्स ले रही है। एक तरफ जहाँ पे मान्या निगरानी कर रहे हैं वो वेस्टर्न साइड का, वहीं पे हम देख पा रहे हैं कि रॉनी और जोकर ये दोनों मिलके टीम तमिलास को परेशान कर रहे थे। इनफैक्ट रॉनी अकेले परेशानी में डाले, फाइनली रॉनी स्विच करते हुए नजर आएंगे। जिम जैम को नॉक करके खत्म करने की पूरी कोशिश है बचे हुए हैं ड्रैगन स्पोर्ट्स की तरफ से। लग तो रहा है कि इनका भी एलिमिनेशन कभी भी आ सकता है। जिम जैम को खत्म कर दिया जाएगा, हाइड्रा के स्पर्श इसी बीच में प्लेजोन से नॉकआउट हो जाएंगे। लेकिन रेवेनेंट अनफॉर्चुनेट फॉर देम प्लेज प्लेजोन से खत्म हो जाएंगे और एटीट के ट्रॉय भी यहां खत्म होते हुए नजर आएंगे। हाइकू सोल मान्या उनको नॉक किया गया था और रिटेलिएशन में जरूर प्लेजोन से खत्म होना पड़ेगा। मेंटेनिंग सर्कल के अंदर तो उनको भी आना है, बट रॉनी वो रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। नॉक फिनिशर ऑलरेडी हाइकू सोल के पास आ चुकी है और गमला थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होने वाला है। अभी भी 300 मीटर का फासला उनको तय करना है। वहीं दूसरी तरफ एनटीटी के पुकार उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। एनटीटी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दो प्लेयर्स ऑलरेडी सोमराज पहले हमने देखा खत्म होते हुए, पुकार भी अब यहां पे खत्म हो जाएंगे। एंड हाइकू सोल ये एक ऐसी टीम है जो सेमीफाइनल, बहुत वक्त बचता नहीं है और कम से कम यहाँ पे 12 टीम 37 खिलाड़ी शेष रहेंगे जरूर। टीम तमिलास वो आखिरी खिलाड़ी जो बचे थे उनका भी सफाया, तीन फिनिशर्स के साथ टीम अगल उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बट मिरामार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा नहीं है। भाई हाइकू सोल अभी के लिए फाइट उनकी चालू थी, नेक्स्ट मंथ के साथ फाइट होती हुई मिडकोर्ट के प्लेयर्स की, WSP के प्लेयर्स मल्टीपल फाइट्स यहां पे चलती हुई, हर एज पे जोन के फाइट्स हो रही हैं। टीम हाइड्रा के भी दो खिलाड़ी डाउन जरूर है लेकिन वहां पर रिवाइवल की एक कोशिश, बट टीम हाइकू सोल के मान्या वो अकेले ही आगे जा रहे हैं, बाकी प्लेयर्स उनके आसपास है नहीं कवर फायर देने के लिए। स्पावर एक डिफरेंट एंगल पे मौजूद जरूर है, देखना यह है कि क्या वहां पर वो जो नॉक प्लेयर्स है उनका कंफर्मेशन आता वो नजर आएगा या फिर नहीं। हाइकू सोल उनके पास अच्छा हाइट का एडवांटेज है लेकिन एक स्प्लिट में वो अभी तक खेलते हुए नजर आए। जोकर के रूप में एक कैजुअलिटी भी आई है, 6 टोटल फिनिशेज वो निकाल चुके हैं, बट मान्या करीब आए, थोड़ा एनालाइज किया कि वहां पे आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए और अभी के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हुए नजर आएंगे। काफी एक रिस्की मूव भी हो सकता है तो अगर आप उनका स्प्लिट देखें हाइकू सोल का, देखना ये कि क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे उसको अपनी तरफ। लेकिन फ्रैगर वो तो हवे में उड़ते हुए नजर आएंगे और उनका एलिमिनेशन हो जाएगा उस ग्रेनेड से। व्हाट डूरा ओपी का वो ग्रेनेड था, काफी ज्यादा कुक करके उन्होंने थ्रो किया और जैसे ही वो बगी के लिए हो सकता है, बट रॉनी बढ़िया एंगल जो उनके पास मौजूद है और अब टीम ब्लाइंड थोड़ा मुश्किलों में। ये 4 प्लेयर्स के साथ यहाँ पे टीम ब्लाइंड आई थी और अब केवल 2 ही प्लेयर्स उनके पास बचे हुए हैं। रिवाइवल का मौका जरूर है बट हाइकू सोल ने पूरा तख्ता पलट कर दिया है। आज हमने बहुत सारी उड़ती हुई गाड़ियां देखी, क्या उड़ता हुआ प्लेयर देखने को मिलेगा? रोनी क्या नीचे जंप मारने वाले हैं, ये सवाल हम सबके मन में। बट जोन के अंदर हाइकू सोल का एक प्लेयर अभी भी मौजूद और एस पावर ये नेड्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, बैक टू बैक प्रेशर में डाला अपने अपोनेंट को, एक और नेड एक और शिकार, बट रोनी भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। नाउ एस पावर is the last man standing for Hyku Soul. और टीम ब्लाइंड की बात करें तो वहां पे भी स्किप्स इकलौते खिलाड़ी हमें अभी के लिए देखने को मिल रहे हैं और स्किप्स की बात करें तो बहुत बेहतर उनका प्रदर्शन आया है। पावर के ऊपर कुछ शॉट्स आ जरूर रहे हैं, हाइड्रा के लोग खिलाड़ी हैं जो काफी दूर से अपन बंद पड़ गया बिकॉज़ यहां से निकलने का समय आ चुका है। एंड इन यू गो अपनी कार में बैठे और चले गए यहां से हाइकू सोल द्वारा चेस करने की कोशिश, बट जरूरत ही नहीं, मान्या का लाच उनके पीछे आ रही थी, रुकावटों में डाला, मान्या को यहाँ पे नॉक किया, बट अब नॉक नहीं होना। अगर यहाँ पे कोई प्लेयर नॉक हुआ तो बचने की संभावना बनेगी नहीं। सोल जोकर कमाल का स्प्रे, पैराडॉक्स जोकर लगाएगा डाउन, क्या उनको बचाने के लिए कोई आएगा, क्या गाड़ी कोई आगे लगाएगा, स्मोक कोई करेगा? आई डोंट थिंक सो। हाइकू सोल आक्रमण पावर के ऊपर कुछ स्प्रे करने की कोशिश, खिलाड़ी को जरूर अपने साथ लेके चले गए लॉबी वापस। लेकिन बाकी आपको टीम सोल का आज का वो 2-मैन चिकन डिनर कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपने टीम सोल का
कल के कुछ ओपी तोड़फोड़ फाइट और कुछ अच्छे मैचेस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कल का, तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और जाके देख सकते हो। तो बस ये था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट और तोड़फोड़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।